हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑन एग्जाम नीति, सही नीति सही दिशा। स्वागत है आप सबका एग्जाम नीति पर मेरे यानी माधवी कुशा गौर के साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया हैं, बहुत मजे में हैं। और आज बहुत 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 ज्यादा इंटरेस्टिंग सेशन स्टार्ट होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट? और अगर वीडियो पसंद आता है, कुछ नया सीखने मिलता है तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा। फिर आज का सेशन इज अबाउट डिड यू नो देयर इज अ वर्ड फॉर दैट, क्या आप जानते हैं कि उस चीज के लिए भी एक वर्ड है? जल्दी से देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनके लिए आपको लगता है माय गॉड इनके लिए भी वर्ड हो सकता है क्या। चलिए तो देखिए, सबसे पहला वर्ड इज क्यूट अग्रेशन। आप देख रहे हैं कितना कॉन्ट्रास्टिंग है, क्यूट भी है अग्रेशन भी है। बहुत ध्यान से देखिए, there is written cute aggression, cute भी है aggression भी है। Then that simply means cute aggression is the term for wanting to hug something cute very hard, almost violently। मतलब कोई ऐसी चीज को हग करने का आपका मन करता है जो कि आपको बहुत क्यूट लगती है और इतनी जोर से इतना टाइट हग करने का मन करता है ना कि बुतरा कि इतना कस के हग करने का मन कर रहा है किसी चीज को, है ना, या किसी एनिमल को जिसको, या किसी टेडी बेयर को देख के आपको एकदम से क्यूट अग्रेशन आता है। ओ बाबा कि इसको देख के तो हम क्या करते हैं ना, वायलेंट आपको जो हग करने का मन करता है उसको हम कहते हैं क्यूट अग्रेशन। सो एग्जांपल है, योर कैट इज सो अडोरेबल, आपकी बिल्ली इतनी प्यारी है दैट आई हैव क्यूट अग्रेशन, कि इसको देख के ना मुझे उसको बहुत कस के हग करने के लिए मन करता है। और योर टेडी बेयर इज सो क्यूट और इज सो अडोरेबल दैट आई हैव क्यूट अग्रेशन, मुझे एकदम ऐसा लगने लगता है कि इसको मैं कस के एकदम पकड़ के टाइट हग कर दूं, राइट? चलिए, आई होप आपको क्यूट अग्रेशन के बारे में पता चला, राइट? चलिए अब नेक्स्ट कुछ नया वर्ड, यस, ह्यूरिस्टिक, आई सी, यस, अग्रेशन, ये क्या लिखा है, क्यूट अग्रेशन। जिन वर्ड्स के लास्ट में आई ओ एन लगा होता है वो सब क्या होते हैं? एग्जैक्टली नाउन होते हैं, क्लियर हो गया, राइट? जिन वर्ड्स के लास्ट में आई सी लगा हुआ होता है वो सारे वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। एग्जैक्टली आप पढ़ चुके हैं, आपको पता है, अब आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं पार्ट्स ऑफ द स्पीच को। नाउ द ह्यूरिस्टिक, दिस वर्ड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग दैट्स टॉट और लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, कोई ऐसी चीज जो कि सीखी जाती है या सिखाई जाती है आउट ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव होने के बाद ही कोई चीज जो आप सीख सकते हैं या सिखा सकते हैं उसको हम ह्यूरिस्टिक कहते हैं, है ना। जैसे कि द प्रोफेसर अप्लाइड अ ह्यूरिस्टिक टीचिंग मेथड, अब ह्यूरिस्टिक टीचिंग मेथड तो तभी कोई प्रोफेसर अप्लाई कर सकता है जब उसको खुद को पढ़ाने का काफी अनुभव होगा, काफी एक्सपीरियंस होगा, सो दैट हर स्टूडेंट्स वुड लर्न बाय ट्रायल एंड एरर, ताकि जो उसके स्टूडेंट्स हैं वो ट्रायल और एरर के मेथड से सीख पाए, ट्राई करें गलती हो और फिर वो उससे वहां से कुछ नया सीखे। तो अनुभव के द्वारा कुछ सीखना या अनुभव के द्वारा कुछ सिखाना, जैसे हमारी जिंदगी भी तो हम पर ह्यूरिस्टिक मेथड अप्लाई करती है, बहुत कुछ हम लाइफ से सीखते हैं, बहुत सारी गलतियां हम यही करते हैं और रियल टाइम में यहीं से सीखते हैं, है ना। लाइफ इज अ वेरी 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 यू नो स्ट्रिक्ट टीचर, वो मौके कई देती है बट स्ट्रिक्ट हो जाती है कई बारी। तो ये जो एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस अनुभव को हम कहते हैं ह्यूरिस्टिक, राइट? चलिए नेक्स्ट, क्या आपको पता है बार डोलेट्री भी एक वर्ड है? हाँ, यहां से एक चीज का बहुत ज्यादा यू नो फील आ रहा है, क्या फील आ रहा है, ये लेट्री लिखा हुआ है तो ऐसा कुछ पढ़ा हुआ तो है हमने, दैट इज आइडोलेट्री, है ना, एक सेंस आ रहा है ना, हमने आइडोलेट्री कहीं पढ़ रखा है, काफी सुना सुना सा लग रहा है। एग्जैक्टली तोड़ दीजिए इसे दो पार्ट्स में, आइडल प्लस लेट्री, यानी कि आइडल यानी कि मूर्ति, मूर्ति पूजा में विश्वास करने वाला, मूर्ति पूजा में मानने वाला आइडोलेट्री हो गया, राइट? वहीं से अब आप इसका मीनिंग कहीं ना कहीं समझ सकते हैं। देखिए बार्ड, राइट, बार्ड, शेक्सपियर को बार्ड कहा जाता था, तो उनकी प्रशंसा करने वाले, उनको पूजने वाले, उनको मानने वाले, उनको बहुत 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 एक्सेसिवली लाइक करने वाले लोग बाल्डोलेट्री करते हैं उनसे, राइट? अब टी आर बाय बाय जिन वर्ड्स के लास्ट में लगा होता है 70-80% केसेस में वो वर्ड्स नाउन होते हैं, आइडोलेट्री से तो आपको सेंस लग ही गया कि मूर्ति पूजा नाउन कहलाती है, राइट? तो बाल्डोलेट्री रिफर्स टू समवन हु इज ऑब्सेस्ड विद शेक्सपियर, जिसे हद से
ज्यादा शेक्सपियर पसंद है, राइट? नंबर वन. नंबर टू, ऑब्सेस्ड के साथ हमेशा क्या लगा होता है? विद लगा होता है. एंड व्हेन यू आर ऑब्सेस्ड विद अ पर्सन, क्लियरली यू नेम दैट पर्सन. जब आप किसी पर्सन से ऑब्सेस्ड होते हैं तो जाहिर सी बात है आप उस व्यक्ति का नाम बताते हैं. ऑब्सेस्ड विद किसी एक्टर का नाम ले लेते हैं, है ना, ऑब्सेस्ड विद किसी पॉलिटिशियन का नाम रख लेते हैं जिससे भी आपको बहुत ज्यादा, या कोई सिंगर, लेट्स से कि किसी को शर्मली खोड़गे बहुत पसंद है तो वो कहते हैं आई एम ऑब्सेस्ड विद शर्मली खोड़गे, और आई एम ऑब्सेस्ड विद अरिजीत सिंह, है ना, लोग ऐसा नाम लेते हैं. तो उसी तरह से अगर आप किसी चीज के साथ हो या आपकी कोई प्रोसेस हो तो आप बिल्कुल से आई एम ऑब्सेस्ड विद राइटिंग, आई एम ऑब्सेस्ड विद टीचिंग, मुझे बहुत पसंद है पढ़ाना. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, बातें तो बहुत सारी हैं. शेक्सपियर इज स्टिल सेलिब्रेटेड, आज भी उनको मनाया जाता है, आज भी लोग उनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, आज भी उनकी फैन फॉलोइंग है, राइट, जो उनकी चीजों को, उनकी आर्टिकल्स को, उनकी हर एक बात को और उनकी हर एक राइटिंग को पूजती है. सो मच टुडे दैट बार्डोलेट्री इज अलाइव एंड वेल, मतलब अभी भी जो बार्डोलेट्री है उनको द बार्ड का एक टाइटल मिला हुआ था, उनको लोग बार्ड को भी बोलते थे, राइट. तो आज भी ये बार्डोलेट्री जो है अलाउड है, मतलब लोग उनकी पूजा करते हैं आज भी, और आज भी उनको हर एक दिन में, उनकी हर एक कृति में, उनकी हर एक रचना में उनको क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, उनको मनाते हैं और विश करते हैं कि काश में उनके साथ होते, राइट. चलिए, आई होप ये बहुत सारे इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं, आई होप ये बहुत कुछ नया है, राइट. तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अगले वर्ड की तरफ, बफोला. बफोला, बुफोला, राइट. एक तो आपने बुफलो का नाम सुना है, बुफलो भैंस, राइट. अभी क्या है, बुफोला. बुफोला इज अ जोक दैट्स मेट विद एक्सट्रीमली लाउड लाफ्टर. आपके किसी भी जोक पर, किसी रैंडम जोक पर, कैसे भी जोक पर, अच्छे गंदे, बहुत गंदे, पुअर जोक पर भी जब कोई एकदम ठहाका मार के हंस जाए ना, तो वो सिचुएशन कहलाती है बुफोला. क्या कहलाती है? बुफोला कहलाती है, राइट. तो ये जो होता है सिचुएशन, ये जोक, इसको हम नाउन कहते हैं. कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन है. एग्जाम्पल, दैट वॉज द कॉमेडियंस बेस्ट बुफोला ऑल नाइट. बुफोला मीन्स जोक, ये उसका ऐसा जोक था पूरी रात में, सबसे बेस्ट जोक था ये उस कॉमेडियन का, जिसको हम बुफोला कहते हैं, क्योंकि एकदम यू नो खिलखिला के लाफ्टर के साथ, यू बर्स्ट इनटू लाफ्टर, उसको कहते हैं. अच्छा, यहां से मुझे एक और बात याद आई, बर्स्ट के साथ जब आप इनटू लगाते हैं ना, तो आप सिचुएशन को चेंज कर देते हैं. टू, आप प्रपोजिशन ऐसी होती है कि जब आप किसी भी सिचुएशन को, किसी भी कंडीशन को या किसी भी स्टेट को चेंज करना शो करती है. इनटू भी एग्जैक्टली यही काम करती है, टू मूवमेंट शो करती है पर इनटू स्टेट चेंज शो करती है. बर्स्ट इनटू टीयर्स, यानी कि फूट फूट कर रो पड़ना, और बर्स्ट इनटू लाफ्टर, यानी कि खिलखिलाकर हंस पड़ना, राइट. तो इनटू जो प्रपोजिशन है ना, वो हमेशा स्टेट चेंज शो करती है. चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, दैट इज स्नोली गॉस्टर. ध्यान से देखिए, स्नोली गॉस्टर. स्नोली गॉस्टर रिफर्स टू अ पर्सन विदाउट प्रिंसिपल, ऐसा व्यक्ति जिसका कोई भी सिद्धांत नहीं है, बिना सिद्धांत का व्यक्ति, कोई मूल्य नहीं, कोई प्रिंसिपल्स नहीं, कोई सिद्धांत नहीं. आप मुझे बताएंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है. मैं सारे पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताती चल रही हूं, अब एक छोटा सा होमवर्क आपको दे रही हूं कि आप मुझे इसका पार्ट ऑफ स्पीच जरूर बताएंगे. मैं होप करती हूँ कि आप मुझे स्नोली गॉस्टर का पार्ट ऑफ स्पीच जरूर बताएंगे. मैं वेट भी कर रही हूँ. एग्जाम्पल देखते हैं, द पॉलिटिशियन इज अ स्नोली गॉस्टर हु लाइज एंड स्टील्स टू गेट व्हाट ही वांट्स. वो पॉलिटिशियन जो है वो स्नोली गॉस्टर है, बिल्कुल सिद्धांत से रहित व्यक्ति है, बहुत ही अमोरल टाइप का पर्सन है, इमोरल टाइप का पर्सन है, उसके अंदर कोई सिद्धांत नहीं है, इमोरल है. ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं लोग अमोरल में एंड इमोरल में. हमेशा ध्यान रखिएगा, लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग, ये वर्ड्स है मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स में आते हैं, लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं, अमोरल एंड इमोरल. आप मुझे होमवर्क में एक कमेंट तो कर ही सकते हैं ना, ये बताने के लिए अमोरल और इमोरल में क्या अंतर होता है. चले, फिर मैं आपको वही तुरंत रिप्लाई करूंगी कि एग्जैक्टली वो सही है या गलत है. अगर गलत है तो उसका सही आंसर क्या होगा. यस, तो पॉलिटिशियन जो है वो स्नोली गॉस्टर है, जो कि झूठ बोलता है, चुराता है जो उसे चाहिए उसके लिए, उसको चुरा लेता है और उसके बारे में झूठ बोलता है. अभी नेक्स्ट,
आपने एक वर्ड सुना होगा काउच पोटैटो, अभी बहुत कॉमन हो गया है वो वर्ड। क्या वर्ड है? काउच पोटैटो। काउच मतलब काउच पर बैठे बैठे, सोफे पर बैठे बैठे। पोटैटो मतलब आलू की तरह बैठा रहता है, खाता रहता है और हर समय टीवी देखता रहता है। वो इंसान जो सोफे पर बैठकर कुछ खाते हुए पीते हुए आराम से मजे करते हुए टीवी देखता रहता है ना हर समय, उसे हम काउच पोटैटो कहते हैं, जैसे बहुत ज्यादा शौक होता है टीवी देखने का। अभी नेक्स्ट वर्ड इज माउस पोटैटो। ध्यान से, माउस से ही क्लियर हो चुका है, नाउन है पहले तो ये नाउन है, ठीक। दूसरा, नाम से ही क्लियर हो गया है कि ये माउस यानी कि कंप्यूटर के माउस से रिलेटेड है। तो माउस पोटैटो रेफर्स टू समवन हु वर्क्स ऑन द कंप्यूटर अलॉट, जो हर समय कंप्यूटर पर काम करता रहता है। अब चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, वो कुछ भी हो, लेकिन ऐसा इंजीनियर या फिर ऐसा डिवेलपर जो हर समय सॉफ्टवेयर पर कंप्यूटर पर काम करता रहे, या कोई बहुत फेमस यूट्यूबर हो वो भी जो हर समय कंप्यूटर पर काम करता रहे। आजकल तो स्टूडेंट्स भी, आजकल तो लाइफ ही ऑनलाइन है, तो जो बहुत ज्यादा कंप्यूटर पर काम करते हैं उनको हम क्या यूज करते हैं, उनके लिए एक वर्ड दैट इज माउस पोटैटो। एग्जांपल देखते हैं, एवर सिंस का यूज होता है जब से के लिए, ध्यान रखिएगा जब से, ठीक है। एवर सिंस सुजैन स्टार्टेड हर ऑनलाइन कंपनी, जब से सुजैन ने अपनी ऑनलाइन कंपनी शुरू की है, शी इज बीन सच अ माउस पोटैटो। वो हर समय कंप्यूटर पर ही काम करती रहती है। ऑनलाइन बिजनेस यू नो बहुत मुश्किल होता है हैंडल करना, जिस तरह से ऑनलाइन पढ़ाई है कि पहले आप एक कोचिंग, एक कोर्स ऑनलाइन देखते हैं, फिर नोट्स बनाते हैं, फिर लिखते हैं, फिर अगला कोर्स कितने बजे से स्टार्ट होने वाला है, अगली क्लास, उसको सब नोट करते हैं, स्केड्यूल बनाते हैं। सोचिए आपके लिए क्लासेस लेना इतना हेक्टिक हो जाता है, तो जो बनाता होगा या जिसका ये बिजनेस होगा तो उसको तो बहुत काम करना पड़ता होगा। तो आई होप आपको मजा आ रहा है, आई होप आप यहाँ से बहुत कुछ सीख रहे हैं, राइट। ये क्या हो गया भाई, फोर्थ के बाद सिक्स वर्ड कैसे है, पहले फिफ्थ वर्ड एंड देन है सिक्स वर्ड, माउस पोटैटो। तो हमने अब आज के सेशन का लास्ट वर्ड सीखना, बहुत 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 इंटरेस्टिंग है, एंड ये वो वर्ड है जिसको यू ऑलवेज से कि दैट वर्ड वाज ऑन द टिप ऑफ माय टंग, बट नाउ राइट नाउ आई एम जस्ट नॉट रिकॉलिंग इट और आई एम फॉरगेटिंग इट। वो वर्ड है पेट्रिकर। क्या है पेट्रिकर? सबसे पहले तो मैं बता दूं नाउन होता है। पेट्रिकर क्या होता है? नाउन होता है। होता क्या है? दैट इज अ वर्ड टू डिस्क्राइब द वे इट स्मेल्स आफ्टर इट रेन्स। बारिश के बाद मिट्टी से आने वाली सौंधी सौंधी खुशबू। गाना सुना है ना, मिट्टी भी खुशबू है ना, अंबरा बरस दिया पानी। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि जब बारिश होती है आसमान से और जो मिट्टी पर पानी पड़ने के बाद जब पहली बहुत अच्छी स्मेल, भीनी भीनी खुशबू आती है मिट्टी की, उसे इंग्लिश में कहते हैं पेट्रिकर। सौंधी सौंधी खुशबू को कहते हैं पेट्रिकर। एग्जाम्पल, आई लव द पेट्रिकर ऑफ अ समर थंडरस्टॉर्म, यानी कि मुझे समर थंडरस्टॉर्म के बाद, उस तूफानी थंडरस्टॉर्म्स के बाद जो समर में होता है, गर्मियों में होता है, आई लव द पेट्रिकर। उसके बाद जो स्मेल आती है वो मुझे सौंधी सौंधी खुशबू बहुत पसंद है। एग्जैक्टली अगर पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी वो स्मेल बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो आई होप आप इस सेशन से काफी कुछ सीख रहे हैं और आपने यहाँ से काफी कुछ लर्न किया। इफ येस तो प्लीज बताइएगा, एंड यस लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू ऑल चिल्ड्रन। काफी।